तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो आज पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें सेट नंबर 2 क्वेश्चन पेपर को 29/5/2 के सॉल्यूशन को, जिसमें खंड का में सेक्शन ए जो था उसका क्वेश्चन 1-2 अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन आप कमेंट में लिंक ओपन करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 काव्यांश को पढ़ना है और हमको आंसर देना है, तो काव्यांश आप पढ़ लेना, पेपर आपके पास होगा, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और साथ में इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन 3 में दीप किसका प्रतीक है, व्यक्ति, समाज, प्रकाश, परिवार, तो राइट आंसर आपका ए है, व्यक्ति का, ठीक है, काव्यांश के अनुसार। सेकेंड क्वेश्चन पंक्ति किसका प्रतीक है, कतार, समष्टि, व्यष्टि, अहंकार, तो बी ऑप्शन राइट है, समष्टि, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगला 3 पनडुब्बी से आप क्या समझते हैं, तो सी ऑप्शन राइट है, गोताखोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 दीप का पंक्ति में विलय का भाव है, तो ए ऑप्शन राइट है, दीप की सत्ता का सार्वभौमीकरण, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दीप जीवन रूपी कामधेनु द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य पवित्र दूत के समान है, या फिर दीप कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय पा आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, या फिर समाज दीप की प्रशंसा में सुंदर सुंदर गीतों की रचना करता है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो केवल यहाँ पर सी ऑप्शन लगाना आपको, का और खा, ठीक है, का और खा, तो यहाँ पर आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अगला सी है इसमें, अगला देखो 5वां क्वेश्चन 5वां काव्यांश के आधार पर समिधा शब्द का अर्थ हो सकता है, काव्यांश के आधार पर समिधा शब्द का अर्थ हो सकता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रांति की अग्नि, ठीक है, काव्यांश के आधार पर समिधा शब्द का अर्थ है ये, ठीक है ना, क्रांति की अग्नि। अगला क्वेश्चन 4 इसमें भी पैराग्राफ यानी गद्यांश दिया गया, इसको हमें पढ़ना है और पढ़कर आंसर देना है, तो गद्यांश आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन और साथ में इसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल क्यों आया करते थे, क्या रीज़न था, ठीक है, तो फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है, अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन गद्यांश पढ़कर मिल मालिक के बारे में ये कहा जा सकता है कि, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपको लगाना है, वह मुनाफा खोर था, ठीक है। अगला 3rd क्वेश्चन वैज्ञानिकों का नौकर हो जाना कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का नौकर हो जाना इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, वे स्वतंत्र शोध से वंचित हो गए। अगला 4 मजदूरों के 4 हाथ होने की बात मिल मालिक के दिमाग में आने का अर्थ है कि, यहाँ पर भी ऑप्शन राइट होगा, वे अधिक उत्पादन चाहता है, ठीक है। अगला इस गद्यांश में पूंजीपतियों के किस रूप का पर्दाफाश हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, स्वार्थी है इसी बात का, ठीक है ना, राइट है। 6 यह गद्यांश किस लघु कथा का अंश है, तो 4 हाथ, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, 4 हाथ का है। अगला क्वेश्चन 5 सूरदास की झोपड़ी से क्वेश्चन है, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सूरदास की झोपड़ी पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सूरदास प्रतिशोध में विश्वास नहीं रखता था, सूरदास पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था, सूरदास ने जगधर की पत्नी की मदद की थी, सूरदास की भैरों से दुश्मनी थी, तो यहाँ पर हमको राइट आंसर देखना है, तो
ए बी सी डी में देखना है तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन लगाना है, केवल घर। ठीक है, अगला। ठीक है, सूरदास की भैरव से दुश्मनी थी, डी ऑप्शन राइट है। अगला, अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ में उजाड़ की अपसभ्यता किसे कहा गया है। ठीक है, उजाड़ की अपसभ्यता किसे कहा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, औद्योगिक सभ्यता को। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला अगला क्वेश्चन थर्ड, देवी का फूल किस फूल को माना जाता है। देवी का फूल किस फूल को माना जाता है, तो गुड़हल को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुड़हल के फूल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर, बिस्कोर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है, तो आत्म कथात्मक शैली, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फाइव, सूरदास के चरित्र से हमें क्या सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, दृढ़ता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक अभी तक जितने क्वेश्चन अपलोड हैं उनका सॉल्यूशन देख सकते हो, साथ में आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था और जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑप्शन आंसर की अपलोड है जो स्कूल को प्रोवाइड की गई है आपकी कॉपी चेक करने के लिए। तो अगला जो भी पेपर है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर विद आंसर के साथ अपलोड है, कमेंट चेक कर सकते हो, लिंक पेस्ट है, वहाँ से सॉल्यूशन बिना किसी डाउट के देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।